करी बना रही जितना भी जा रहे हैं ना छोकरी सर सब मूवी देखने ही जा रही है। चलिए मैडम को लेकर आने के लिए तो यार मैडम को लेकर ये नहीं आया। हेलो गाइस, हम लोग मूवी देखने जाने वाले हैं। तस्मम कैसे लग रहे? गर्दा पूरा हीरो यार। सो हे गाइस, दिस इज माय ब्लॉगर। तो आज वॉच टिल एंड वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को काफी मजा, और ये वीडियो आप लोगों को देखकर काफी मजा आएगा क्योंकि झारखंड में फर्स्ट टाइम नागपुरी फिल्म देखने के लिए इंजॉय ले रहे हैं। वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और हम लोग आज शायद घुसने नहीं पाएंगे, लेकिन वहाँ पर जा करके हम लोग इतना पता कर सकते हैं कि कितना टिकट है, क्या क्या क्राइटेरिया है वहाँ पर घुसने के लिए। और ये लगी हुई है मेन रोड हाई स्ट्रीट मॉल न्यूज़पेपर टावर सैनिक मार्केट के सामने, और वहीं पर हम लोग जा करके आप लोग को दिखाते हैं। चलो इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और देखते रहिए टोरी वाला ब्लॉगर, और मुझे भी साथ सपोर्ट देते रहिए क्योंकि अपना गरीब दोस्त है यार। यहाँ से हम सीधा निकलेंगे वहीं पर जाने के, और शायद 2 बजे से एंट्री रहता है, लेकिन हम लोग थोड़ा पिछुआ गए, तो देखते हैं अगर कैसा कल होगा तो देखेंगे। और यहाँ तो आप देख ही सकते हैं पब्लिक प्लेस में वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल लगता है यार, लेकिन फिर भी अगर ब्लॉगर हूँ तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे पब्लिक प्लेस हो या फिर सिंगल प्लेस हो। तो हम लोग अभी दोनों दोस्त जा रहे हैं, चलो हम भेंट करवाते हैं उससे भी, जो कि काफ़ी दिन के बाद भेंट हो रहे हैं। ऐसे दूर दराज में रहते हैं तो जल्दी भेंट नहीं होने पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते हैं बीच बीच में मिलने का। तो बोलो। हेलो गाइस, हम लोग अभी आज हम लोग मेन रोड तक घूमने निकले हुए हैं और देखते हैं मेन रोड का रिएक्शन कैसा रहता है, और हम लोग फाइनली मूवी देखने जाने वाले हैं, लेकिन मूवी का टाइमिंग तो ख़त्म हो गया है क्योंकि पहली बार झारखंड में नागपुरी मूवी लगी है, जो कि काफ़ी खचाखच दर्शकों से भीड़ रहता है, उसी को आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। और देखा जाए क्या होता है, हम लोग एंट्री मिलने पाता है या नहीं पाता है। और यहाँ पर इस रास्ता में ना कभी भी पक्का के परिलोग की कमी नहीं होती है, आपको जब भी ज़रूरत हो इस रोड पर आ जाए और अपना इंजॉय देख कर ले, और अगर कुछ भी करना हो अच्छा तो आपको खुद करना पड़ेगा भाई। 100 रुपया वाला दिखाओ, 100 रुपया वाला माल, और इधर जितना भी आप देख रहे हैं ना 100 रुपया वाला 150 रुपया वाला सब कुछ सामान आपको सस्ते मिल जाएंगे। देखिए इधर चिल्ला रहे हैं 100 रुपया मात्र 100 रुपया कुछ भी लो, लेकिन नहीं यार यहाँ पर ना सब फिक्स रेट रहता है, चाहे 100 हो या 500 हो या फिर 1000 रुपया सब फिक्स रहता है। आगे की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो मेरा दोस्त फाइनली चश्मा लेने के लिए थोड़ा सा देख रहे हैं, और यहाँ पर घाड़ी चश्मा जो भी आपको लेना है सब कुछ मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और दोस्त पूरा लेने के लिए देख रहे हैं, देख सकते हैं रंग बिरंगे चश्मे यहाँ लगी हुई है ये दुकान में। देखिए ये चश्मा में कैसे लग रहे, गर्दा पूरा हीरो यार। ज़बरदस्त खतरनाक लग रहा है यार, ले लो। बहुत ज़्यादा धूप है यार, और धूप की वजह से दोस्त ने चश्मा ले रहा है, क्योंकि हम चश्मा पहले ही ले चुके थे और यहाँ पर ये दोस्त चश्मा ले रहा है। और देखते हैं, मैं भी एक पसंद करता हूँ क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ ना, तो 2-3 को चश्मा रखना ज़रूरी है यार। ये चश्मा वाह, ये कैसा लग रहा है यार, कैसा लग रहा है, अच्छा है, फैंटास्टिक, लग रहा फर्स्ट है, आई लाइक इस चश्मा, अच्छा लग रहा है यार। कंप्रोमाइज किया जाएगा, दुकानदार का काम यह है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल अरे हाई कॉस्ट बोलना और उसको कंप्रोमाइज करना हम लोग के बस में है। चलो फाइनली चश्मा का कंप्रोमाइज हो गया, 150 रुपये बोला जा रहा था लेकिन उसको 80 रुपया किचित 80 रुपये दिया जा रहा है। खतरनाक लग रहा है भाई, अरे तो चश्मा यहाँ लगा दिया है, पॉकेट में डाल दिया। फाइनली गाइस यहाँ से हम लोग निकलेंगे अभी मेन रोड हाई स्ट्रीट मॉल, जो कि जहाँ पर नागपुरी फिल्म लगी हुई है वहाँ पर सीधा निकलेंगे, और हम लोग वहाँ पर जानेंगे कि किस तरह से वहाँ पर दर्शकों का भीड़ है, किस तरह से वहाँ पर
पिक्चर दिखाई जाती है, कैसा मजा आता है, सब कुछ देखने के लिए जाने वाले हैं यहाँ से। तो फाइनली आप लोग इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। आई एम ब्लॉगर कंटिन्यू व्यूअर। तो हम लोग दोनों दोस्त फाइनली हीरोगिरी दिखाने के लिए, ये बातें बताई नहीं जाती, चश्मा ले लिए हैं। ऐसे हम तो पहले से ले चुके थे, लेकिन हमको और एक लेना था यार, क्योंकि एक ही चश्मा से वीडियो बनाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अरे ये चश्मा तो यार थोड़ा सा नया चश्मा लिया है, तो नया चश्मा इसको लो, हम तो पहन ले रहे हैं। नया चश्मा को उद्घाटन किया जाए, ऐसे पहन के देख चुके हैं। और पापा के परे लोग काफ़ी यहाँ पर आ ही जा ही रही है, धीरे धीरे देखता हूँ। हाँ लुक दिस, बोलेगा कुछ? खत्म हो गया भाई मेरा, इसके एनर्जी ही खत्म हो गया यार। मेन रोड आते ही एनर्जी खत्म हो गया, एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करेगा, इन्हें स्लबर खाए लेकिन पैदल चलना पड़ रहा है। बोले मैडम को लेकर आने के लिए, तो यार मैडम को लेके भी नहीं आया, और मेरा तो खैर कुछ कोई है नहीं यार, जो था वो भी कहाँ चली गई, इसका भी कोई पता नहीं। हमको लगा रहा है क्या यार ऐसे यार, लंबे दिनों के बाद मिलने का काफ़ी मज़ा आता है यार दोस्तों के साथ, मिलना चाहिए। और इधर काफ़ी ज़्यादा कपड़ा सब बिकते हैं बच्चे लोग का, काफ़ी मस्त मस्त सुंदर सुंदर। और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं पूरा मेन रोड किनारे किनारे लगी हुई है छोटे छोटे दुकानें, जहाँ पर हर लोग बिजनेस करते हैं क्या। यही है मेन रोड का नज़ारा, जो कि में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो गैस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हाई स्ट्रीट मॉल रांची, जो कि मेन रोड सैनिक मार्केट के सामने है, यहां पर लिखा हुआ है देख सकते हैं हाई स्ट्रीट मॉल। और यहीं पर नकोरी फिल्म लगी हुई है, पहले रोड क्रॉस करते हैं, क्योंकि यार रोड में रिक्शा नहीं लेना चाहिए। मेरा मोटू दोस्त तो पार हो गया, मैं फंस गया यहाँ पर, चलता हूँ धीरे धीरे। पहली बार ऐसा मूवी लगी है जो कि काफ़ी फेमस चल रहा है यार, काफ़ी भीड़ भाड़ का चल रहा है, क्योंकि मैंने फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम यूट्यूब में सब चीज़ में देख रहा हूँ यार, काफ़ी मस्त। यहाँ पर देख सकते हैं ये मॉल है, और इसी में अंदर घुसेंगे तो देख सकते हैं मेरा दोस्त पूरा हीरो के जैसा खड़ा हो गया बीच में। अरे यार धूप की वजह से ना बाल भी थोड़ा संभल नहीं रहा है, क्योंकि आज कटा लिए हैं छोटा छोटा, और बहुत छोटा हो गया बाल। और ये मॉल में अंदर हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, और अंदर में देखते हैं क्या होता है कैसा है। अभी तो मूवी चल रही होगी, क्योंकि भीड़ भाड़ यहाँ पर थोड़ा कम लग रहा है, अभी चारों तरफ देख सकते हैं ऐसे पब्लिक बहुत सारा आते जाते ही हैं। और हम लोग घुसेंगे अंदर, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, बने रहिए मेरी जान फुल पावर के साथ। चलो अरे ये पूरा अंधेरा आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंदर में है ना। अंधेरा दिख रहा है लेकिन कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये सब जितना भी जा रहे हैं ना छोकरी सर, सब मूवी देखने ही जा रही है, और उन लोगों के पीछे पीछे आप लोग भी जा रहे हैं। अरे हम लोग से तो आगे आगे जा रही है यार, पीछा करने नहीं पाए, चलो कोई नहीं, पर उमेश पीछा कर लिया। अबे पूरा अंधेरा आ रहा है यार, चलो जितना ऊपर तक चढ़ सकते हैं सीढ़ियां आज 28-7 सबसे ऊपर में पहुंच गए धीरे धीरे, यहीं पर कुछ ना कुछ होने वाला है। हाँ यहाँ से शहर का नज़ारा जबरदस्त दिखेगा, चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ओ ओ पापा की परी, पापा की परी भी वीडियो बना रही। तो ये है हाई स्ट्रीट मॉल का सबसे ऊंचाई में हम लोग चढ़ चुके हैं, और यहाँ से जो शहर का देखने में नज़ारा दिख रहे हैं ना, काफ़ी ज़बरदस्त है यार, हाफ बिलीव नहीं कर सकते हो, यू कैंट बिलीव यार, दिस इज व्यूअर एंड आल्सो लाइक दिस प्लेस एंड हाई स्ट्रीट मॉल मेन रोड रांची। और ये इस तरह से यहाँ पर काफ़ी मस्त सबसे ऊंचाई में हम लोग आ चुके हैं, और इसी के सीढ़ी इस सीढ़ी में हम लोग चढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर मूवी लगी हुई है, इसी में चढ़ते हैं हम लोग उधर।
अरे यार मूवी का पूरा आवाज़ गूंज रहा है। ये लगी हुई है खोटा सिक्का का पोस्टर जो कि यहाँ पर सिनेमा अंदर में लगी है, और विवेक नायक, राजू तिर्की और नितेश कच्छप और उसके साथ काफ़ी सारे ग्रुप्स चलते हैं इधर। गाइस हम लोग तो आए मूवी देखने के लिए, लेकिन यार कोई भी चीज़ में टाइमिंग होता है तो टाइमिंग से यहाँ पर एंट्री किया जाता है। 3:30 बजे एंट्री कर लिया गया था और हम लोग यहाँ कितना बजे पहुँचे, 3:45 में। इसके वजह से हम लोग बाहर में ही रह गए, क्योंकि आज नहीं तो कल, कभी तो देखेंगे यार, अभी तो बहुत समय है। और ये नकपुरी मूवी फर्स्ट टाइम लगी हुई है और काफ़ी ज़बरदस्त दर्शकों की भीड़ यहाँ पर हो रही है। और पता है गाइस यहाँ पर नकपुरी मूवी का एंट्री 150 और 180, मतलब 150 और 180 रुपया रखी गई है। हम लोग सब कुछ इंक्वायरी कर लिए हैं अंदर जा कर के, और फाइनली घुसने नहीं पाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको आना पड़ेगा मेन रोड हाई स्ट्रीट मॉल, जहाँ पर हम लोग खूब इंजॉय किए। यहाँ पर आप लोग को शॉर्ट वीडियो में देखने को मिल गया होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से सामने यहाँ रुस्पा टावर है और काफ़ी यहाँ पर गाड़ियाँ चलती रहती है। और यहाँ पर आकर के काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि यार हम लोग आवारा छोड़ा है ना, कहीं भी घूम सकते हैं। और यहाँ पर फाइनली दोस्त अपना मैडम के साथ लगा हुआ है। होना भी चाहिए, चलो कोई बात नहीं, और चलते हैं अब यहाँ से फाइनली, और कुछ कुछ दिखाते चलेंगे और कुछ खाते भी चलेंगे। तो चले चलते हैं अब, वो भी तो देखने नहीं पाए, बोले भौजी के लेके आओ, तो भौजी भी लेके नहीं आया। समझ रहे हो? अरे भौजी नहीं है भाई, भौजी तो कोई यहाँ मिलेगा बोल करके आ रहे, तो नहीं तो ले करके नहीं जाते भौजी। कितना क्या करोगे भौजी यार, तो हमको भी गिफ्ट कर दो। खैर चलो, हंसी मजाक लगी हुई है, काफ़ी मज़ा आता है, इसी तरह हम लोग मिलते जुलते रहते हैं। और आप लोग बताइए कि आप लोग का क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं वहाँ से सीधा बड़ा तालाब, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा स्टैचू बनी हुई है, वहाँ पर हमने आ गया है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखने को आप लोग को मिल जाएगा। और ये 5 बजे लगभग खुलता है गेट, जो कि अंदर आने के लिए, जहाँ पर वाटर के पास आप देख सकते हैं ये पानी चारों तरफ। और आप लोग को घुमा के दिखाते हैं, ये देख रहे हैं पीछे, जो कि काफ़ी बड़ा स्टैचू बनी हुई है डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू। और वहाँ फाइनली धीरे धीरे हम लोग चलते हैं, और दोस्त आगे खड़ा है, चलते हैं धीरे धीरे यहाँ से। और इधर तो पापा के पारी की कमी नहीं है, फाइनली धीरे धीरे बढ़ते हैं। और बाबे कितना रुकेगा, चलो आगे चलो, इसको तो रुकने का ही मन कर रहा है यार, काफ़ी ज़बरदस्त सीन है यहाँ पर, और घूम घूम के देखने के मज़ा ही अलग है यार। लेकिन सिंगल हैं और सिंगल ही मज़ा है यार, फालतू एक टेंशन होती है किसी को साथ में रखने से। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट आई डोंट नो यार, कुछ तो कुछ एक्सप्लेन करनी पड़ती है। अकेले फुल मस्ती, और लोग काफ़ी देख रहे हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है यार। और खैर कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है। लेकिन अबे आजा, अबे ऐसा आदमी है यार, देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ है डॉक्टर स्वामी जी का स्टैचू देखने के लिए। और ये पानी पूरा ज़बरदस्त भरी हुई है, मज़ा आ रहा है। लेकिन तो खैर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए टोरी वाला ब्लॉगर। ओके बाय बाय, टेक केयर।